तेज खबर पैनी नजर। सजाते हैं, कभी आतंकवादी कहते हैं, कभी खालिस्तानी कहते हैं, कभी देशद्रोही का संज्ञान देते हैं, और लाठी चार्ज पीपली से शुरू होके रोहतक, हिसार, टोहाना, जींद, दादरी होते हुए करनाल तक पहुंचा। और अब सरकार के निर्देश के ऊपर अधिकारी सीधा सिर फोड़ने का ऑर्डर देते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर सर्दी गर्मी बरसात जब ऊपर से गुजर गई, आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि जिस प्रकार आम आदमी पार्टी किसानों का सड़क से लेकर संसद तक साथ दे रही है, उनकी सोई हुई सरकार उठाने के लिए आम आदमी पार्टी एक किसान दूर खेत बचाओ यात्रा का शुरुआत कर रही है। इस देश के किसान का आजादी के बाद इससे बुरा हाल, इससे ज्यादा बेकदरी जो भाजपा सरकार ने की और विशेषकर भाजपा की हरियाणा की सरकार ने की, आज तक देश के अंदर ऐसी बेकदरी किसान की नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी ने तय किया है हरियाणा की 90 विधानसभाओं में 22 के 22 जिलों के अंदर यह यात्रा जाएगी। 5 सितंबर के दिन यह यात्रा छोटू राम जी की समाधि रोहतक से शुरू होगी और घूमते घूमते 13 सितंबर को गांधी जी के स्मारक पलवल में, जहां से हरियाणा में गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, वहां पे यह यात्रा समाप्त होगी। और विशेषकर भाजपा की हरियाणा से अंग्रेजों ने जितने जुल्म किए उससे ज्यादा हरियाणा की सरकार किसानों के ऊपर जुल्म कर रही है। इस यात्रा के अंदर का सफर यात्रा करेगी और 50,000 लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे विभिन्न विधानसभाओं और विभिन्न जिलों के अंदर होते हुए। मेरे साथ साथ हमारे सांसद, हमारे कई मंत्री और विधायक इस यात्रा के अंदर सम्मिलित होंगे। अनेकों सामाजिक संस्थानों को भी, अनेकों सामाजिक संगठनों को भी मैंने इसमें आमंत्रित किया है। अभी तक बहुत से मजदूर संगठनों के, किसान संगठनों की, अनेकों सामाजिक संगठन जैसे चौधरी छोटूराम विचार मंच, किसान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उत्तर मध्य हरियाणा विकास संगठन, युवा शक्ति बदलाव की ओर संगठन, दीनबंधु चौधरी छोटूराम विचार समिति, SYL हिमाचली मार्ग समिति इत्यादि अनेकों सामाजिक संगठनों के अंदर भी इसमें भाग लेने का अपना हमें दिलाया है। मैं आप सब से, केंद्र सरकार और हरियाणा की सरकार से कहता हूं, 9 महीने से ऊपर शहादत देंगे, अभी तक आपकी कान पे जू नहीं रहेंगी है। ये किसान आंदोलन नहीं, ये जन आंदोलन बन चुका है। और जब जन आंदोलन की सरकारें अनदेखी करती है, लोकतंत्र के लिए सबसे खराब बात वही होती है। हम सरकार से ये दरख्वास्त भी करते हैं कि लाठी चार्ज करने वाले का ऑर्डर देने वाले अफसरों के ऊपर देशद्रोही का मुकदमा चले। शहादत दे चुके किसान है, शहीद का दर्जा दिया जाए। सरकार दर्ज किए हैं उन फौजी मुकदमों का वापस ले। जो मनोहर सरकार ने किए हैं, मनोहर सरकार उसके लिए माफी मांगे। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि खेत तो मजदूर का पेट भरेगा। हरियाणा सरकार ने किसान के खेत को छीन
कर दिया। यहीं तक मनोहर लाल जी का संतुष्टि नहीं हुई थी किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करके, उन्होंने किसान की सबसे पहले हरियाणा श्यामलाल पाले की जमीन जो सामूहिक तौर पर मलकियत की होती थी उसको हरियाणा सरकार के नाम चढ़ाने का ऑर्डर दिया, और इस 24 अगस्त को विधानसभा के जमीन एक्वायर करने के प्राइवेट प्रोजेक्ट के लिए जमीन एक्वायर करने के लिए किसानों की 75 किसानों की सहमति जरूरी होती थी, उस सहमति के कानून को खत्म किया। यानी अब तो आम आदमी पार्टी के राजस्थान सांसद सुशील गुप्ता ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हरियाणा सरकार को निशाने पर लेते हुए। उन्होंने ये कहा कि अब हम किसान के साथ खड़े हैं, लाठी चार्ज जो किसानों पर हुआ उसको